एचडीएफसी बैंक शेयर को। एचडीएफसी बैंक इससे थोड़ा दबाव आ रहा है, एक बार जरा आशु सर से पूछते हैं। आशु सर, बीच बीच में थोड़ी मूव आती है, 1550 तक इस बार एचडीएफसी बैंक आया था, वापस रिवर्स हो गया है। अब क्या 1500 से भी अब ऊपर जाएगा या फिर अब थोड़ा प्रेशर बन सकता है, क्या व्यू रखना है, क्योंकि आज तो एक थोड़ा एक्सपायरी का भी एक्शन चल रहा है सर। दीपांशु, एचडीएफसी बैंक तो ऊपर जाता ही नीचे आने के लिए है, और उसका काम क्या है दीपांशु? बहुत लंबी बात नहीं है कि एक्सिस बैंक या आईसीआईसी बैंक, प्राइस वाइज इन दोनों में से कौन पहले एचडीएफसी बैंक के प्राइस को टेक ओवर करता है, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम या ये रेस में कौन जीतता है। एचडीएफसी बैंक लेगार्ड था, लेगार्ड है और लेगार्ड ही रहेगा दीपांशु। और ये मतलब जोक्स अपार्ट, और ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद नहीं है, व्हेन यू टॉक टू द पीपल ऑन द ग्राउंड, एचडीएफसी बैंक के मतलब बहुत सारे एम्प्लॉयज के साथ पर्सनल लेवल पे इनडायरेक्टली डायरेक्टली बात होती है, मतलब सारे स्ट्रेस के अंदर है, जो इंक्रीमेंट्स बोनसेस हुए हैं उसमें भी वो खुश नहीं है, और बैंक का जो ओवरऑल बिजनेस भी है, मतलब रिटेल बैंकिंग भी, सारी चीजें बिकॉज ऑफ वो जो पीछे उनके साथ इश्यूज हुए ओवर कंप्लाइंट होने होने की वजह से, बिकॉज एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी बैंक के मर्जर के बाद बहुत सारी चीजें, तो एवरीथिंग पुट टुगेदर ना, वो जो एक मजा था उस बैंक के अंदर के एक बहुत एग्रेसिव और चीजें मानी जाती थी, वो सब अब दिखाई भी नहीं देती। और जो उनका कॉन्जर्वेटिव अप्रोच था, जिस वजह से था कि इन कंपनीज को, इन सेक्टर्स को नहीं देना, पिछले 2-3 साल में वो सेक्टर्स ही आउट परफॉर्म कर गए और वही सबसे आगे निकल के चले गए। सो आई थिंक इन 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 ट्रू सेंस वो लेगार्ड है बिजनेस के अंदर भी, मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई आएगा। बट ये वही वाली बात है कि पुराना प्यार है लोगों का, पुराना दिग्गज रहा हुआ है, और एचडीएफसी बैंक है तो एचडीएफसी बैंक की, तो लोगों को लगता है भाई अभी भी या कितने क्लाइंट से मिलता हूँ, मतलब आप अनिल जी आपने इतने सारे स्टॉक्स बोले हैं, मतलब कहां से कहां, जैसे ये कल आशीष कवर कर रहा था, कुछ था कि 150 रुपए के पीएफसी आरईसी और ये सब चलते नहीं थे, और आज मतलब 150-150 रुपए के 3-2 महीने में, 1-1 महीने में मूव दे रहे हैं, ऐसे इतने सारे डिफेंस के सारे सेक्टर, और जो लोग इंफोसिस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, बजाज ट्विंस इनमें रह गए, दे हैव लॉस्ट ह्यूज एंड बिग अपॉर्चुनिटी, एंड आई स्टिल फील दे विल कंटिन्यू टू लूज एंड मिस दिस अपॉर्चुनिटी जो आने वाले टाइम में भी मिल सकती है। बात तो सही है,